हम पहले कई म्यूजियम्स की वीडियो दिखा चुके हैं जहाँ पे हमने दिखाया कि इंडिया से लूटा हुआ काफी सारा सामान यहाँ पे म्यूजियम्स में डिस्प्लेड है। कई लोग हमसे उन वीडियोस को देख के सवाल पूछते हैं कि आपने अभी तक कोहिनूर क्यों नहीं दिखाया, तो आज हम आपको उसी सवाल का जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। हाय, मैं हूँ अंकिता। और मैं हूँ नितिन। वेलकम टू अवर चैनल देसी कपल इन लंदन। इसी म्यूजियम के अंदर रखा है कोहिनूर। इसके अलावा हम आपको सैर कराएंगे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे पहले डायनासोर का स्केलेटन, जो कि बहुत ही बड़ा है, वो यहाँ पे रखा हुआ है। और अर्थक्वेक सिमुलेशन भी है, यानी कि आप फील कर सकते हैं कि अर्थक्वेक कैसा लगता है, यहाँ पर वो सिमुलेशन कर रखी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग म्यूजियम है, बहुत सारी इंटरेक्शन है इस म्यूजियम में। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। हम एंटर कर रहे हैं इस वक्त म्यूजियम के अंदर। वाह यार, मजा आ गया, बड़ी जबरदस्त एंट्रेंस है। तो कहने को है ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, पर सुंदर कितना है, पत्थर से बना है और ये कलरिंग सी है, कितना सही है यार। This is Blue Whale. देखिए कितना बड़ा म्यूजियम है ये। तो जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर कहते रहे कि इनका कुछ अपना है भी के नहीं, तो ये इनका अपना है, इनको यूके में ये अवशेष मिले थे इस डायनासोर के 1914 में। तो आगे ये छोटे छोटे, आई थिंक ये तो अवशेष लग रहे हैं, अवशेष नहीं है, लेकिन ये है मेन, ये टीरेक्स है शायद। ओए होए, डायनासोर के एक्सपर्ट हैं यहाँ तो। अरे मॉडल्स ही होंगे यार ये तो। हाँ पता नहीं, लेकिन सही लग रहे हैं यार। ये तो बहुत बड़ा है, आवाज भी बहुत कर रहा है, किन्नू सो रहा है, नहीं तो डर जाता वो। क्या है? अच्छा, यहाँ अलग अलग तरह के पुराने बर्ड्स भी रखे हुए हैं। यहाँ पर सेस्मोमीटर लगा हुआ है और ये अर्थक्वेक से जो वाइब्रेशन होती है ना, उससे मतलब बेसिकली डिटेक्ट करता है कि कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है। तो जैसे अगर मैं ज़ोर ज़ोर से हिलाऊंगी तो ये पूरा, देखो कितनी बड़ी बड़ी वेव्स बन रही हैं उसमें, तो ये पूरा ये कैप्चर कर लेता है ये चीज़। ये वो जगह है जहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं अर्थक्वेक। देखो सब कुछ हिल रहा है कितना। ऐसा लग रहा है कि हम किसी और ही जगह पे आ गए हैं। प्रिजर्व करने में इनका जवाब नहीं है चीजों को, जितने अच्छे से प्रिजर्व कर रखा है उन्हें सब कुछ। ये बना हुआ है सैटन, ये रिंग से पता चल जा रहा है ये सैटन है। अब
हम पहुंच गए हैं यहाँ जहाँ रखे हैं हीरे जवाहरात और कोहिनूर। आपने सुना होगा कि प्रेशियस स्टोन्स के नाम जैसे क्वार्ट्ज और ओपल हैं, लेकिन क्या आपको पता था कि जो ओपल वर्ड है वो संस्कृत वर्ड से चुराया गया, जो कि है उपल। कितने सुंदर सुंदर स्टोन लगे हुए हैं यहाँ पे, हर एक का यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है कि कौन सा स्टोन क्या है क्या नहीं है। तुम्हें पता है यहाँ लिखा है कि 3000 साल तक इंडिया बिगेस्ट प्रोड्यूसर था डायमंड का, और मतलब राजा महाराजा पहनते थे उस टाइम पे। आज के डेट में तो खैर कनाडा और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो डायमंड्स प्रोड्यूस करती हैं, बट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को ये। कितने मस्त कलरफुल स्टोन्स हैं ये, मज़ा आ रहा देखने में। एमरल्ड्स, रूबी, सफायर सब रखा है भैया, बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे स्टोन है, प्रेशियस स्टोन्स। और ये भी है कि पहले बड़ा साइज होता है फिर कैसे छोटा छोटा करते जाते हैं उसको। राइट राइट। ये हैं कलिनन डायमंड्स, ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट डायमंड्स में आते हैं और साउथ अफ्रीका की प्रोड्यूस है ये। आज की डेट में रॉयल फैमिली ओन करती है इनको। तो यहाँ ये मैग्नीफाइंग ग्लासेस भी लगे हैं छोटे वालों को देखने के लिए ताकि क्लैरिटी अच्छे से दिखे। तो डायमंड की जो सबसे पहली स्टेट होती है ना वो ये होती है, और उसके बाद ये छोटा सा डायमंड निकल के आता है इस ओर में से। तो जो ये नेक्स्ट डायमंड है इसका नाम है शाह, और इस पे अपने पुराने तीनों ओनर्स के नाम लिखे हैं 1591 से लेके 1829 तक। और ये नेक्स्ट वाला जो है ये है साउथ अफ्रीका से 273 कैरेट का लार्जेस्ट मॉडर्न कट। और नेक्स्ट है ये टिफनी, आपको पता ही होगा न्यूयॉर्क में है इनकी चेन, ये उनका फेमस वाला है। और ये नेक्स्ट नीले वाला सुंदर वाला नाम है इसका होप, ये भी इंडिया से है लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि इसके कर्स हो जाता है भाई। तो ये पड़ा है जी कोहिनूर, देखिए मैडम कितनी खुश हो रही कोहिनूर देख के। 105 कैरेट का है, 1850 में क्वीन विक्टोरिया को मिला था ये, देखिए। और इसको माउंटेन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। इतना बड़ा कोहिनूर है, इतना बड़ा, काफ़ी बड़ा डायमंड है, बड़ा मज़ा आया देख के। बट एक्चुअली में जो ओरिजिनल वाला है वो टावर ऑफ लंदन में है, बट टावर ऑफ लंदन में जो है वो शूटिंग करना अलाउड नहीं है, वहाँ पे आप ज्वेल्स की जो है शूट नहीं, वीडियो नहीं बना सकते। बेल्ट पे चलते हुए आते हैं, आपके सामने से निकल जाते हैं, और वहाँ पे स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, कैमरास नहीं अलाउड है, फोन से भी आप शूट नहीं कर सकते। तो दिस वॉज अवर बेस्ट बेट टू शो यू कि कोहिनूर कैसा लगता है, यही एक बेस्ट तरीका था आप लोगों को दिखाने का। होपफुली आज का व्लॉग आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ डिफरेंट लगा हो। अगर लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्सो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।